दोस्तों, आज मैं आपके साथ मखाना की हेल्दी खीर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये हेल्दी क्यों है? क्योंकि हम इसमें ना तो चीनी यूज करने वाले हैं और ना गुड़ यूज करेंगे और ना ही शहद यूज करेंगे, फिर भी ये खीर मीठी होगी और साथ में हेल्दी भी होगी। तो क्या है इसका सीक्रेट राज मीठे के लिए? तो आगे बढ़ते हमारी रेसिपी की तरफ और देख लेते हैं इसकी सारी सामग्री और क्या है सीक्रेट सामग्री, और साथ ही साथ हम इसे बनाएंगे बिना फैट वाले मिल्क से। नमस्ते दोस्तों, फारूक भानुशाली की रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपने अब तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज नए वीडियो के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। हम यहाँ पर एक कटोरी मखाना लेंगे और मखाना को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे, और हमें ना इसको एकदम क्रिस्पी होने तक ड्राई रोस्ट करना है। और ये मखाना है तो हम ये खीर को व्रत में भी खा सकते। मखाना हमारे अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो सेम कढ़ाई में हमने 1/4 टीस्पून घी ले लिया है और इसे भी है ना बादाम को रोस्ट कर देंगे। और एक साइड हमारे बादाम रोस्ट हो रहे हैं तब तक हम मखाना को भी एक अच्छे से पाउडर फॉर्म कर लेंगे और मिक्सर जार में इसका एकदम अच्छे से पाउडर हम बना लेंगे। और जो हमारे बादाम है वो भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, और जो घी थोड़ा सा पड़ा हुआ है एक दो बूंद, उसी में हमारे ये मखाना का जो पाउडर हमने बनाया है उसे भी फिर से एक बार रोस्ट कर लेंगे, ताकि इसमें है ना एकदम अच्छा सा फ्लेवर भी आ जाएगा। और यकीन मानिए ये खीर सिर्फ 5 से 6 मिनट में ही बन जाती है। और अभी हम इसमें ऐड कर देंगे 2 कटोरी लो फैट मिल्क, मतलब कि हमने यहाँ पर गाय का दूध लिया है, ताकि ये जो खीर है वो हेल्थी भी बन जाए और जो डाइट फॉलो करे ना तो वो भी ये खीर खा सकते। और अभी हमने इसके अंदर मीठे के लिए लिया है ड्राई डेट्स पाउडर, जिसे हम खारे कहते हैं, वो हमने लिया है 3 चम्मच। आप ज्यादा मीठा पसंद करते हो तो यहाँ पे 4 चम्मच भी खारे का पाउडर ले सकते हो, और आप चाहे तो यहाँ पर पूरी खीर बन जाने के बाद 4 से 5 खजूर को पीस के भी इसमें ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम ये जो खीर है डाइट और जो हेल्थी हो जाए ऐसी बना रहे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ना चीनी ली, ना गुड़ और ना ही शहद लिया है। और हम है ना मखाना को ऐड करने के बाद 3 से 4 उबाल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। और जो हमने बादाम को घी के अंदर रोस्ट किया था ना, तो उसे भी हमें ना दर दरा सा खलबत्ता के मदद से कूट लेंगे। और अगर हम इसको मिक्सर में भी चाहे तो मिक्सर में भी 1/2 क्रस पाउडर बना सकते। जो हमारी खीर रेडी है ना, तो उसके ऊपर हमारा जो रोस्टेड बादाम का हमने दरदरा पाउडर किया है उसे भी ऐड कर देंगे। आप चाहे तो ये खीर में इलायची या केसर भी ऐड कर सकते हो, और ड्राई फ्रूट में आप चाहे तो काजू, पिस्ता और वॉलनट को भी ऐड कर सकते हो। पर मेरे घर पर ये नॉर्मली ऐसे ही सिंपली खीर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है, और ये खीर हम व्रत में भी खाएंगे ना तो इससे हमें नेचुरल एनर्जी भी मिल जाती है, और जिसे हम कहें ना कि रियल एनर्जी बूस्ट भी मिल जाता है, क्योंकि हमने इसमें खारे भी लिया है और बहुत अच्छी मात्रा में हमने मखाना भी लिया है। और ये खीर जब हम गरम गरम खाएंगे तो थोड़ी सी पतली होगी, और जैसे ही हम इसको फ्रिज में रख देंगे ना तो ये खीर हलवे की तरह भी बन जाएगी, क्योंकि मखाना है ना तो एकदम थिक भी हो जाएंगे, मतलब कि डाइट में भी खा सकते और प्लस में हेल्थी भी है बिना चीनी की, तो बहुत ज्यादा हेल्थी भी हो गई। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है। तो फिर जल्दी मिलेंगे और नई रेसिपी के साथ। रोज नई रेसिपी के लिए पारूल भानुशाली की रेसिपी को फॉलो करते रहिए, और अपने सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हो। और अभी तो करवा चौथ आने वाली है, तो ये ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि पूरे दिन के उपवास के बाद अगर ऐसा हम खीर खाएंगे ना तो हमें पूरे दिन की जो थकावट भी चले जाएगी। तो आप भी ये खीर जरूर ट्राई करें।